नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो होगी 72 आवर्स के लिए। आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहा है, ये जनरल रीडिंग होगी। सबके साथ रेजोनेट कर भी सकते हैं नहीं भी सकते, जितना रेजोनेट करते हैं उतना रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। तो चलिए देखते हैं आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहा है। लिब्रा यानी तुला राशि, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल जो है ये नया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी रीडिंग सुनिए। तो चलिए देखते हैं आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहा है। ये आया है फाइव ऑफ सोर्स का कार्ड एंड सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड। हो सकता है पहले आप दोनों में लड़ाई झगड़ा हुआ था, ये सोच रहा है कि आप उस लड़ाई झगड़े से अभी तक नहीं उभरे हो। आप दोनों में लड़ाई झगड़ा हुआ था, अभी वो पुराना जो बात आप लोगों में पहले प्यार था, इमोशन था, या फिर आप लोगों की रिश्ते में जो बड़े थे बच्चे थे, जिनके बच्चे हैं वो अपने बच्चों के बारे में सोच रहा है, अभी वो ये सब सोच रहा है। हो सकता है इस रिश्ते में पहले बहुत लोगों ने इन रिश्तों को ख़राब करने के लिए बहुत कोशिश की है, रिश्ते में झगड़ा हुआ है, वो सोच रहा है कि आप उस झगड़े को लेके परेशान हो, और उसके बाद वो ऐसा सोच रहा है कि आप पुरानी जो बातें हैं उनको याद कर रहे हो, नॉस्टैल्जिक हो रहे हो, पुराने बात को अभी याद करके आप उस झगड़े को क्यों याद कर रहे हो, क्यों पुरानी बात को नहीं याद कर रहे हो। तो वो सोच रहा है कि आप झगड़े को भी याद कर रहे हो और पुराने बात को भी याद कर रहे हो, ऐसा वो सोचते हैं आपके बारे में। अब देखते हैं लिब्रा आप क्या सोचते हो। आप सोचते हो कि उसने आपको बहुत अपमानित किया है, आपको सबके सामने नीचा दिखाया है, अभी आप जो हो आप वैसे ही रहोगे क्योंकि आप अभी किसी के सामने झुकोगे नहीं, आप अपने पावर में रहोगे क्योंकि आपको बहुत अपमान सहना पड़ा, अपमानित होना पड़ा जो उन्होंने आपके साथ किया है, अभी आप वो सहन नहीं करोगे क्योंकि आप एक अपनी पोजीशन पे हो जहां आप किसी की कोई भी बात सहन नहीं करोगे, नहीं सुनोगे, जिसमें आपकी अपनी खुशी है आप ऐसा ही कुछ करोगे। देखते हैं गाइडेंस में क्या आया है। गाइडेंस में आया है सेवन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। किसी एक ऐसा बात है जो निकल के सामने आ रहा है, आप लोगों की रिश्ते में जो छुपा हुआ था, छुपी हुई बात थी जो किसी को पता नहीं चलना चाहिए था, वो बात अभी निकल के सबके सामने आ रहा है। तो ऐसा तो नहीं, ठीक नहीं है, आप लोग दोनों में बात करके सुलह कर लीजिए या बात को बैठ के सुलझाइए। ऐसा नहीं है कि जो इतने दिनों तक लोगों के जहन में नहीं था, लोग नहीं जानते थे, अब वो बात बाहर आ रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।